गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अभी अपने अपने दो क्लासेस हो गए हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के। इन केस अगर किसी के वीडियोस बाकी होंगे, इन केस और वो अगर यूट्यूब चैनल पे जाता है मेरे और वीडियोस देखता है, तो वीडियोस तीन दिखेंगे लेकिन एक्चुअली लेक्चर दो ही है। पहले दिन वीडियो 10 मिनट के बाद एंड हो गया था, इसलिए अपन ने उसको कंटिन्यू किया था। तो वैसे तीन वीडियोस दिखेंगे लेकिन दो ही लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है। तो इन दो लेक्चर्स में हम कहाँ तक पहुँचे। हमने सबसे पहले दिन न्यूट्रिशन देखा था कि न्यूट्रिशन के क्या क्या प्रकार रहते हैं, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, फिर हेटरोट्रॉफ में भी फर्दर आगे कीमोहेटरोट्रॉफ, फोटोहेटरोट्रॉफ, और फिर उसमें से अपन लोग तो कीमोहेटोट्रॉफ है, तो कीमोहेटोट्रॉफ में भी अपन लोग क्या है, फिर मतलब अपन लोग ने कीमोहेटोट्रॉफ के क्या क्या प्रकार है, फिर तो उसमें प्रकार है होलोजॉइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। तो उसमें से किंगडम एनिमिलिया जो है वो है होलोजॉइक, मतलब होल फूड खाते हैं और फिर बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है ना। बॉडी के अंदर अभी इंट्रा सेलुलर भी रह सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी रह सकता है। पूरे किंगडम एनिमिलिया की अगर बात करें अपन तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन भाई बॉडी के अंदर तो हो ही रहा है ना डाइजेशन। अपन खुद अपने डाइजेस्टिव जूसेस तैयार कर रहे हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड तैयार कर रहे हैं और फिर अपना डाइजेशन हो रहा है, बराबर। तो अपन हो गए होलोजॉइक, लेकिन डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी ईट और द एनिमल ईट्स, एनिमल किंगडम कैन मतलब ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनिमल किंगडम कैन बी हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर ये जनरल टॉपिक डिस्कस होने के बाद अपन कहाँ मूव किए थे, अपन मूव किए थे अपने एलिमेंट्री कैनाल की तरफ। अपना एलिमेंट्री कैनाल जो है मतलब माउथ से लेकर एनस तक की ट्यूब, ये सब चीजें अपन अगेन एनिमल किंगडम में ही पढ़े हुए हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है अपना, तो जो पूरी ट्यूब है माउथ से लेकर एनस तक की, वो पूरी एक ट्यूब है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, है ना। उसको साइंटिफिकली गट भी बोलते हैं, साइंटिफिकली उसको गट भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से नॉर्मल नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज के हिसाब से गट गट यानी स्पेसिफिकली इंटेस्टाइन हो गया। अपन बोलते हैं ना मेरे को गट फीलिंग आ रही है वगैरह, ठीक है। तो जनरली इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से गट यानी इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अपन एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे, यानी कंफ्यूजन का टेंशन ही नहीं रहेगा। तो ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होता है, एनस पे एंड होता है। माउथ में क्या क्या रहता है, तो माउथ में ओरल कैविटी और बकल कैविटी दोनों एक्चुअली अलग चीज है, लेकिन अपने को वो टेंशन लेने का नहीं है। टेंशन क्यों लेने का नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ने, स्टेट बोर्ड ने सीधा ओरल कैविटी और बकल कैविटी ऐसा ही बोला है, ठीक है। तो अपने माउथ के अंदर टीथ रहेंगे, टीथ अपने कैसे रहेंगे, थिकोडोंट यानी पूरे जॉग में जबड़े तक अंदर तक फंसे हुए, फिर डायफायोडोंट मतलब जिंदगी में दो बार आएंगे, दो सेट ऑफ टीथ आएंगे जिंदगी में, और उसके बाद अपने टीथ है हेटरोडोंट यानी अलग अलग टाइप के टीथ है। तो इंसीजर्स है, कैनाइंस है, इंसीजर्स काटने के लिए ने जैसे कुत्ता काटता है वैसा काटने के लिए, कनाइंस छीलने के लिए, जैसे शुगर केन खाते वक्त अपन कनाइंस का इस्तेमाल करेंगे, और प्री मोलार और मोलार चबाने के लिए। उसमें से भी मोलार टीथ को अपन उतना यूज करते नहीं है, फिर भी मोलार टीथ तक ठीक है। जो आखिरी वाला मोलार टीथ है विजडम टूथ, वो तो पूरा ही वेस्टिजियल है उसका। पहले जब अपन लोग मतलब 10,000 साल पहले उसका यूज हुआ करता होगा मे बी, लेकिन आज के डेट में उसका कोई यूज नहीं है, तो वो वेस्टिजियल टीथ है ना। अपन ने डेंटल फॉर्मूले भी देखे हैं छोटे बच्चों का, 2102/2102, तुम लोगों का मतलब टीनेजर्स का 2122 और अडल्ट का 2123, ठीक है। फिर अपन ने टंग देखा था, टंग के ऊपर पैपिले रहते हैं, उन पैपिले के ऊपर टेस्ट बर्ड्स रहती है। पैपिले के शेप अलग अलग प्रकार के रहते हैं, सर्कम वैलेट यानी सर्क्यूलर, फिर फोलिएट यानी लीफ के समान, वो सिर्फ रैबिट में रहते हैं, ह्यूमन बींग्स में बचपन में ही डिजेनरेट हो जाते हैं। फिर
फिलीफोर मैंने कोन शेप के, पिरामिड शेप के, है ना, और कौन सा बचा, फंजीफोर मैंने मशरूम शेप के, ऐसे अलग अलग पैपिले रहते हैं, इन पैपिले के ऊपर टेस्ट बर्ड्स रहती है। वो टेस्ट का मैप भी मैंने तुमको पढ़ाया भी था और उसका फोटो भी भेजा था, लेकिन एवरीबडी बी क्लियर कि वैसा कुछ नहीं होता है ना, ऐसा कोई टेस्ट का मैप वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर उसके बाद अपन देखे थे उवुला, मुंह में सबसे अंदर की तरफ, सबसे पीछे की तरफ क्या रहेगा, उवुला रहेगा। उवुला मतलब, उवुला इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेलम पैलेटी। तो उसका काम क्या है, जब अपन गिटक रहे हैं खाना, तो वो उपला उवुला ऊपर की तरफ मुड़ता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है और नोज को अंदर से बंद कर देता है, इंटरनल नॉस्टल्स को बंद कर देता है, ताकि जब हम स्वॉलो कर रहे हैं तब हम ब्रीद नहीं कर सकेंगे। ठीक है, उसका सिंपल रीजन ये है कि अपना फूड पाइप और विंड पाइप एक पॉइंट पे मीट होता है गले में, उस पॉइंट को बोलते हैं फेरिंग्स, है ना। फिर फेरिंग्स जो फूड पाइप की तरफ खुलता है उसके ओपनिंग को बोलते हैं गलेट, और फेरिंग्स जो विंड पाइप की तरफ खुलता है उसके ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। ये जो ग्लॉटिस है, दिस इज ऑल्सो कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। तो जब अपन खाना स्वॉलो कर रहे हैं तब एपिग्लॉटिस भी ग्लॉटिस को बंद कर देता है, उहुला नॉस्ट्रिल्स को बंद कर देता है और एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देता है। तो जब अपन खाना स्वॉलो कर रहे हैं तब गारंटी है कि सिर्फ खाना ही अंदर जाएगा और बराबर फूड पाइप में ही जाएगा, ताकि दोनों पार्ट्स में कुछ मिक्सिंग ना हो, इसलिए ये सब केयर लिया गया है। फिर अपन ने इसोफेगस में टीएस देखा था, इसोफेगस में अपन ने टीएस देखा था, है ना, टीएस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये इसोफेगस में देखा था, लेकिन ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल का टीएस है, पिछले क्लास में भी बताया था, अभी भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ आर्यन, सभी एनिमल्स का विंड पाइप एंड फूड पाइप कनेक्टेड है, मतलब इधर वर्टिब्रेट्स में तो भी। हाँ, फिर वो लोअर ऑर्गेनिजम्स का छोड़ दो, उनका तो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है, उनके पास नोज वगैरह ही नहीं रहता है, तो उनका छोड़ दो, वर्टिब्रेट्स में हाँ कनेक्टेड है। एनीवेज, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो ये अपन ने एलिमेंट्री कैनाल का टीएस देखा है। स्टमक को काटोगे तो भी ऐसा ही दिखेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को काटोगे तो भी ऐसा ही दिखेगा, अपन ने नागपुर रोड का एग्जाम्पल लिया था। डिफरेंस बस इतना है कि स्टमक को काटोगे तो ये जो ल्यूमेन वाला पार्ट है, ल्यूमेन जिसमें फूड रहता है, वो देखो इसका विड्थ ज्यादा है, इसोफेगस में उसका विड्थ कम है। ये ऐसे डिफरेंसेस को अपन थोड़ी भाव देने वाले हैं, ये तो अलग बात हो गई, लेकिन ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो वैसे ही रहेगी। सबसे बाहर सेरोसा, फिर उसके बाद मस्कुलरिस लेयर, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा, है ना। तो मस्कुलरिस लेयर इज डिवाइडेड इनटू लोसा है, जो अपन ने अगेन एनिमल किंगडम में ही देखा था एनिलिडा के वक्त, आउटर मसल्स लॉन्जिट्यूडिनल, इनर मसल्स सर्क्यूलर। तो लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये इसोफेगस ऐसा ऐसा छोटा होगा, और सर्कुलर मसल्स तब रिलैक्स होंगे तो मोटा होगा, और सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जैसे रिंग के समान इसके अराउंड सर्कुलर मसल्स है ना, वो जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसका डायमीटर घटेगा इसोफेगस का, और उस समय लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स रिलैक्स होंगे तो इसोफेगस ऐसा लंबा होगा। तो इसोफेगस ऐसा लंबा पतला छोटा मोटा, लंबा पतला छोटा और मोटा, लंबा और पतला छोटा और मोटा, ऐसा स्प्रिंग समान ऐसी मूवमेंट करके खाने को नीचे धकेलेगा स्टमक की तरफ। ठीक है, यहाँ तक अपन पहुंचे थे। अभी आज के क्लास में हम चालू करेंगे स्टमक, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब चीजें हम आज के क्लास में चालू करेंगे, मतलब खत्म भी कर देंगे ऑब्वियसली। अब ये मैंने बहुत ही गंदा डायग्राम बनाया हुआ है, ये तो ऐसा मतलब स्कीमेटिक डायग्राम है, तुमको बस ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये ल्यूमेन इसका ज्यादा रहेगा, इसका ल्यूमेन कम रहेगा, यही सब डिफरेंसेस है, ऐसी छोटी मोटी चीजें छोड़ो, लेकिन बाकी अदरवाइज स्टमक जो है वो स्टमक क्या है, जे शेप्ड ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन। अच्छा, एनसीईआरटी में कहीं तो भी ये भी एक, मतलब दो अलग अलग एडिशंस में ये भी एक झगड़ा है, कुछ एनसीईआरटीज में लिखा है कि स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन है और कुछ एनसीईआरटीज में लिखा है कि स्टमक सी शेप्ड ऑर्गन है। तो तुम्हारे पास अगर सी शेप्ड ऑर्गन और सी शेप्ड ऑर्गन वाले भी अगर एनसीईआरटी होगी तो भी आई थिंक अपन ने जे शेप्ड ऑर्गन ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एक तो ज्यादा एनसीईआरटीज में वही है और स्टैंडर्ड बुक्स में भी स्टमक को जे शेप से ही कंपर्व ऐसा रहता है भाई, स्टमक अभी जे है कि सी है, क्या झगड़ा करते बैठने का, मेरे को तो ना जे लग रहा ना सी लग रहा, सीधा सीधा स्टमक को स्टमक बोलने का। ठीक है, तो तुम्हारे पास अगर सी शेप्ड ऑर्गन लिखी हुई एनसीईआरटी होगी तो भी चिंता मत करना, जे शेप्ड ऑर्गन कंसिडर करना। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, ये जो है ये इसोफेगस है, ये जो है ये है इसोफेगस,
ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो है मतलब इस तरफ इसोफेगस है, इस तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो अपन ने स्टमक को ना तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्टमक को अपन ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ध्यान से एकदम मेरी बात सुनेंगे, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि तीन पार्ट्स कौन से हैं। तो स्टमक के ऊपर हार्ट रहेगा, है ना, और हार्ट का एडजेक्टिव क्या है? तो हार्ट का एडजेक्टिव है कार्डियक, बराबर है। तो ये जो स्टमक का जो स्टार्टिंग का रीजन है, स्टमक का जो स्टार्टिंग का रीजन है, इसको बोला है कार्डियक रीजन। स्टमक के स्टार्टिंग के रीजन को बोला गया है कार्डियक रीजन, ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। और स्टमक का जो ये नीचे का रीजन है, स्टमक का जो नीचे का रीजन है, इसको बोला गया है पाइलोरिक रीजन या पाइलोरस, ठीक है, कार्डियक रीजन एंड पाइलोरिक रीजन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन अपने को कार्डियक रीजन को जो मैंने लेबल किया है उसके ऊपर दिख रहा है, लेकिन ये कार्डियक के ऊपर इसलिए है क्योंकि स्टमक का स्ट्रक्चर ऐसा घूम गया है। जैसे बूढ़े लोगों में तुमने देखा होगा कुबड़ आ जाता है, कुबड़ तुमने देखा होगा, उनका जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है वो ऐसा झुक जाता है, वो कमर से ऐसे झुक कर लकड़ी लकड़ी लेकर ही चलते हैं एकदम बूढ़े लोग, मतलब नॉट एवरी वन लेकिन मेनी ऑफ देम ऐसा तुमने देखा होगा, उसको कुबड़ आना बोलते हैं, है ना। तो अब तुम मेरे को एक बात बताओ कि वैसे जो बूढ़े लोग रहते हैं उनका जो सिर है, उनका जो हेड है, उनका हेड नीचे की तरफ रहता है, उनका हेड नीचे की तरफ रहता है, और उनकी जो कमर है वो कमर ऐसे हेड के ऊपर हो जाती है ना, कुबड़ के कारण ऐसे, बराबर है। तुमने ऐसे बूढ़े लोगों को काफी सारे देखा होगा, हमारे घर में भी कोई हो सकता है, घर में नहीं भी होंगे तो भी बाहर तो देखा ही होगा, लकड़ी लेकर ऐसे चलते, ऐसे ऐसे कुबड़ रहता है उनका, बराबर। तो अब अगर तुमको पूछा कि इस पर्सन के बॉडी का सीक्वेंस क्या है, पहले क्या है फिर क्या है, तो अब पीठ जो है वो सिर के ऊपर हो गई है, तो तुम पहले ये बोलोगे क्या कि इसके बॉडी में पहले पीठ आती है, पहले बैक आती है, फिर हेड आता है, फिर लेग्स आते हैं, ऐसा बोलोगे क्या? ऑब्वियसली नॉट। वो उसकी बॉडी ऐसी कर्व हो गई है इसलिए हेड के ऊपर हो गई है, समझ में आ रहा है ना, अदरवाइज बॉडी का पहला पोर्शन तो हेड ही है। तो वैसे यहां पर ये जो पार्ट ऊपर दिख रहा है अपने को कार्डियक रीजन के, वो एक्चुअली से बेंड हो गया है इसलिए वो आगे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली पहला रीजन कार्डियक रीजन है। इस रीजन को बोलते हैं फंडस, इस रीजन को बोलते हैं फंडस, ठीक है, इस रीजन को बोलते हैं फंडस। तो अगर अपने को पूछा कि स्टमक में तीन पार्ट्स कौन से हैं, तो पहला आएगा कार्डियक, भले ही अपने को फंडस ऊपर दिख रहा है तो भी फंडस को ऊपर नहीं बोलना है, पहले कार्डियक आएगा फिर फंडस आएगा, पहले कार्डियक आएगा फिर फंडस आएगा, ठीक है। अच्छा, कल ही मेरे को एक स्टूडेंट ने एनसीईआरटी का फोटो भेजा था, कल रात को ही लकीली, तो मेरे को पता चल गया कि पुरानी एनसीईआरटी जो है, पुरानी एनसीईआरटी ने स्टमक को कार्डियक रीजन, फंडस रीजन और पाइलोरिक रीजन तीन ही पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन नई एनसीईआरटी जो है, नई एनसीईआरटी ने फंडस का मतलब बॉडी ही होता है, फंडस का मतलब होता है बॉडी। तो ये ओपनिंग है स्टमक का, ये एग्जिट है स्टमक का, और ये बॉडी है स्टमक की, ऐसा ही होता है। लेकिन नए वाले एनसीईआरटी ने बॉडी को अलग से मेंशन किया है कि स्टमक इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, दैट इज कार्डियक रीजन, फंडस रीजन, बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन, ऐसा न्यू एनसीईआरटी ने बोला है, ठीक है। उससे अपने बेसिक कंसेप्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस बता रहा हूं कि ऐसा चेंज हुआ है, मेरे को भी पता नहीं था, एक स्टूडेंट ने कल फोटो भेजे नए एनसीईआरटी के, तो मेरे को पता चला कि ऐसा चेंज हुआ है। तो फालतू फालतू के काय को चेंजेस करते रहते, छटक भरी के चेंजेस से क्या फर्क पड़ने वाला किसी को, कि कौन सा कंसेप्ट में फर्क पड़ रहा पता नहीं। ऐसा भी नहीं कि गलत है बॉडी को न मेंशन करना, ठीक है, किया है ध्यान रखना।
नए वाले एनसीईआरटी में, नए वाले एनसीईआरटी में ये बॉडी वाला रीजन भी ऐड हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नॉट अ बिग डील। तो सीक्वेंस तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, सीक्वेंस तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। सीक्वेंस तो अपने को पता है कि पहले कार्डियक रीजन, फंडस रीजन, फिर पायोरिक रीजन। बस ऐसा क्यों हो रहा है? अपन फंडस को ऊपर होने के बावजूद भी कार्डियक के बाद क्यों बोल रहे हैं? इतना बस ध्यान रखना। ठीक है, और क्या बताने लायक? चलो इसके सेल्स भी बता देता हूँ अभी फिलहाल, सेल्स बस बता देता हूँ और स्पिंक्टर्स बता देता हूँ। हाँ, तो इसमें टू काइंड ऑफ स्पिंक्टर मसल्स होते हैं। स्पिंक्टर मसल्स क्या है, मैंने तुमको बताया था। स्पिंक्टर मसल्स मतलब वो मसल्स जो, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे, स्पिंक्टर मसल्स कौन से मसल्स होते हैं? तो स्पिंक्टर मसल्स वो मसल्स होते हैं जो किसी भी चीज के फ्लो को रोकते हैं। किसी भी चीज के फ्लो को रोकना मतलब स्पिंक्टर मसल। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जैसे मैंने पिछले क्लास में एनल स्पिंक्टर और यूरेथ्रल स्पिंक्टर का भी एग्जांपल तुमको बताया था, है ना? है ना, एनल स्पिंक्टर एनस की ओपनिंग में, रेक्टम में प्रेजेंट रहेगा, जो फिशेस के फ्लो को रोकेगा। और यूरेथ्रल स्पिंक्टर यूरिनरी ब्लैडर के ओपनिंग में रहेगा, जो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में जाने से रोकेगा। ओनली व्हेन द ब्रेन ऑर्डर्स द स्पिंक्टर मसल्स टू रिलैक्स, ओनली देन विल दे रिलैक्स। एंड जो भी चीज का फ्लो उन्होंने रोक के रखा है उसके फ्लो को वो होने देंगे फिर। ठीक है, तो कौन से दो स्पिंक्टर, कहाँ पर दो स्पिंक्टर मसल्स प्रेजेंट रहते हैं? तो एक रहता है कार्डियक स्पिंक्टर, एक रहता है कार्डियक स्पिंक्टर। ठीक है, कार्डियक स्पिंक्टर कहां पर प्रेजेंट रहेगा? ऑब्वियसली कार्डियक रीजन में। किस चीज के फ्लो को रेगुलेट करेगा? तो रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ बोलस। बोलस क्या है, याद है ना, अपने माउथ में जो तैयार होता है फूड का स्पेरिकल फॉर्म, उसको बोलते हैं बोलस। तो बोलस के फ्लो को रेगुलेट करेगा वाइल एंटरिंग द स्टमक। धड़ से एकदम स्टमक में नहीं गिरना चाहिए ना, एकदम से अपन ने गिटका और पूरा एकदम ग्रेविटी के कारण धड़ाम से जाके गिरा स्टमक में, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके फ्लो को रेगुलेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे अपन खाना खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 स्टमक पे जाना चाहिए, है ना? जितना कम खाना जाएगा उतना ही सरफेस एरिया भी ज्यादा रहेगा, तो स्टमक में जो एसिड्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस है उनको भी काम करने में हेल्प होगी। धीरे धीरे होगा तो अच्छे से डाइजेशन भी होगा, ऑब्वियस सी बात है ना? इसलिए कार्डियक स्पिंक्टर जरूरी है। और दूसरा स्पिंक्टर कौन सा रहेगा, कहाँ रहेगा? तो कॉमन सेंस की बात है, तुमको समझ गया होगा दूसरा स्पिंक्टर कहाँ रहेगा। दूसरा रहेगा पाइलोरिक स्पिंक्टर, दूसरा रहेगा पाइलोरिक स्पिंक्टर। पाइलोरिक स्पिंक्टर कहां पर प्रेजेंट रहेगा, किसके बीच में प्रेजेंट रहेगा? तो बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। पता है, मतलब नाम से ही समझ में आ जा रहा है, कॉमन सेंस है एकदम। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाएगा तो वो भी एकदम धड़ाम से नहीं जाना चाहिए, उसको भी धीरे धीरे आराम से रेगुलेट करके स्लोली स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा। तो दैट विल बी पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, स्टमक में एडिशनल चीजें कौन सी है? तो डिफरेंस विथ टीएस ऑफ इसोफेगस। अगर अपन ने टीएस ऑफ इसोफेगस लिया और टीएस ऑफ स्टमक लिया तो अपने को क्या डिफरेंस दिखेंगे? तो दो ही डिफरेंस दिखेंगे। पहला डिफरेंस कि ऑब्लिक मसल्स, ऑब्लिक यानी डायगनल, ऑब्लिक मसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, है ना? मतलब लोसाए तो है ही, लोसाए नहीं है ऐसा नहीं है। ऑब्लिक मसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, एडिशनली प्रेजेंट, ऑब्लिक मसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एडिशनली
टू लोसाए, मतलब लोसाए तो है ही, लॉन्जिट्यूडिनल आउटर सर्कुलर इनर तो है ही, उसके अलावा ऑब्लिक मसल्स अलग से है, उसके अलावा ऑब्लिक मसल्स अलग से है। क्यों है ये ऑब्लिक मसल्स और इनका काम क्या है? फॉर हेल्पिंग इन चर्निंग ऑफ फूड। चर्निंग ऑफ फूड मतलब जैसे अपने घर में किचन में जो मिक्सर ग्राइंडर रहता है, वो मिक्सर जैसा मिक्स करता है चीजों को, वैसे अपने को भी स्टमक में, देखो इसोफेगस में अपने को मिक्सिंग का टेंशन नहीं था, लेकिन स्टमक में अपने को मिक्सिंग का भी टेंशन है, क्योंकि जो एसिड एज वेल एज जो डाइजेस्टिव जूसेस स्टमक के वॉल से रिलीज हुए है, वो सब फूड के कॉन्टेक्ट में आने चाहिए, अच्छे से मिक्सिंग होना चाहिए। तो स्टमक को ऐसा, या वो सीमेंट मिक्सर रहता है ना, ऐसा एक ट्रक रहता है बहुत बड़ा और उसके पीछे सीमेंट मिक्सर लगा रहता है, तुमने देखा होगा ऐसा गोल 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 घूमते रहता है, तो ऐसा स्टमक को ऐसा पूरा गोल नहीं घूमना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके अच्छे से मिक्सिंग करना है, तो उसके लिए स्टमक के पास एक एक्स्ट्रा के ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। फिर इसका जो म्यूकोसा रहेगा, किसका म्यूकोसा? स्टमक का, स्टमक की जो म्यूकोसा लेयर रहेगी, म्यूकोसा लेयर अलग अलग सेल्स रहती है, म्यूकोसा लेयर में म्यूकोसा लेयर्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। कौन सी सेल्स रहती है म्यूकोसा लेयर में? तो पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल्स के नाम से ही समझ जाता है कि ये पेप्सिन का एडजेक्टिव है। कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैसेज करना, यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है, बाकी समझने वाली चीज है, लेकिन ध्यान से सुनो, समझ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान देंगे एकदम अच्छे से। देखो पेप्टिक सेल्स, मैंने तुमको इसके पहले 2-3 बार बोला है, और मैंने नहीं भी बोला होगा तो भी तुमने 10th स्टैंडर्ड में 100% सुना होगा कि स्टमक में पेप्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब क्या? तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, जो प्रोटीन्स को तोड़ेगा, ऐसे एंजाइम को बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीनेज, जो अपन ने सेल बायोलॉजी में भी देखा है ना, प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीनेज, तो पेप्सिन एक प्रोटीनेज है। तो पेप्सिन किस में से आएगा? पेप्टिक सेल्स में से। क्या फालतू चीज है, क्या आसान है याद रखना, पेप्सिन किस में से आएगा? पेप्टिक सेल्स में से, कितना आसान है इसको याद रखना, है ना, है ना, करेक्ट। हाँ अथर्व था 10th में, आई नो। और एक और चीज, एक बार मैंने तुमको बताया था कि जाइमोजेन क्या रहता है, याद है क्या? जाइमोजेन, जाइमोजेन ये टर्म कहाँ से आया था? मैंने तुमको बोला था जाइमोजेन, जाइम मतलब एंजाइम और जेन मतलब टू गिव राइज टू, तैयार करना, जेनेसिस, है ना, जेन मतलब जेनेसिस, तैयार करना, जेन, जाइमोजेन। तो जो इनएक्टिव एंजाइम रहते हैं उनको जाइमोजेन बोलते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स को जाइमोजेन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलेशन में क्लॉटिंग वाला पाथवे याद करो, प्लेटलेट्स क्या रिलाइज करते हैं, रिलीज करते हैं, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोकाइनेज, वो क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिनेज नाम का जो एंजाइम है वो इनएक्टिव रहता है, उसको एक्टिव बनाता है। तो प्रोथ्रोम्बिनेज मतलब थ्रोम्बिनेज का प्रीवियस पोर्शन, इनएक्टिव पोर्शन, प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज, वो जब थ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट होगा अब वो थ्रोम्बिन को तोड़ पाएगा, थ्रोम्बिन को तोड़ने वाला थ्रोम्बिनेज, फिर वो थ्रोम्बिन को तोड़ेगा, तो थ्रोम्बिन जो है वो भी टूटने के बाद एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, याद है ना वो सर्कुलेशन वाला पाथवे जो अपन ने प्लेटलेट्स में देखा था कि कैसे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है करके, ठीक है, सिक्वेंस है वो, उसको बस रट्टा मारने का है। फिर थ्रोम्बिन एक्टिव होने के बाद वो क्या करेगा? फाइब्रिनोजेन को तोड़ेगा और फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रिन इनसॉल्युबल है और रस्सी समान है, तो मेश यानी जाली बना लेगा और ब्लड को बाहर जाने से रोकेगा। सिंपल है, मुद्दा मेरा ये है कि उसमें भी थे कि नहीं इनएक्टिव एंजाइम्स जिनको अपने को एक्टिवेट करना पड़ रहा था, वैसे ही यहां पर भी होता है। तो पेप्टिक सेल्स जो है वो पेप्सिन रिलीज करते हैं, आई अग्री, लेकिन वो सीधा सीधा एक्टिव फॉर्म वाला पेप्सिन रिलीज नहीं करते हैं,
वो इनएक्टिव वाला पेप्सिन रिलीज करते हैं, इसलिए पेप्टिक सेल्स को जाइमोजेनिक सेल्स भी बोला जाता है, क्योंकि वो एक्टिव एंजाइम रिलीज नहीं कर रहे, जाइमोजेन रिलीज कर रहे हैं, इनएक्टिव एंजाइम रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, पेप्टिक सेल्स और जाइमोजेनिक सेल्स रिलीज पेप्सिन नहीं, गलत है, पेप्सिन रिलीज करता है बोलना, रिलीज पेप्सिनोजेन, नॉट पेप्सिन बट पेप्सिनोजेन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। दूसरा एक और एंजाइम मैंने तुम लोगों को बताया था, रेनिन, जो मिल्क में जो केजिन नाम का प्रोटीन रहता है उसका डाइजेशन करता है ना। इलेवेंथ, यार इलेवेंथ में वो वाला क्लास लिया था क्या, मैंने याद नहीं आ रहा, शायद नहीं लिया था, अंधश्रद्धा वाला, स्टेट बोर्ड के बुक में एक पहला चैप्टर था, इलेवेंथ के स्टेट बोर्ड में पहला ही चैप्टर था, मिसकंसेप्शंस अबाउट बायोलॉजी। ठीक है, तो वो बढ़िया मजा आती है वो चैप्टर पढ़ाने में, तो वो चैप्टर भले ही अभी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वो चैप्टर पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, तो उस चैप्टर में भी एक चीज आती है कि पहले जब नाग पंचमी के समय वो सपरे लोग नाग को पकड़ के लाते थे तो लोग नागों को दूध पिलाते थे। अब नाग ने दूध पीना पॉसिबल ही नहीं है, ये शायद मैंने एनिमल किंगडम के वक्त भी बताया था, लिया था ना, हाँ, एनिमल किंगडम के वक्त भी मैंने और ये चीज बताई थी कि नाग जो है वो क्लास रेप्टिलिया है और दूध जो है वो मैमरी ग्लैंड्स में बनी हुई चीज है मैमल्स के, इसलिए लैक्टोज को अपन मैमल शुगर या मिल्क शुगर बोलते हैं, लैक्टोज इज प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स। ठीक है, तो रेनिन नाम का जो मिल्क में जो केजिन नाम का प्रोटीन रहता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो रेनिन नाम का एंजाइम लगता है, वो रेनिन सिर्फ मैमल्स में ही प्रेजेंट रहेगा, सांप को अगर जबरदस्ती दूध पिला दोगे तो उसका पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन होने लगेंगे, बेचारे को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, सांप कैसे क्या दूध पिएगा जब वो मैमल ही नहीं है, समझ में आ रहे हो। रादर मैमल्स में भी रेनिन सिर्फ बचपन में रिलीज होता है, क्योंकि अडल्टहुड में दूध पीना एक्सपेक्टेड ही नहीं है ना मैमल्स को, ह्यूमन बीइंग्स जो पीते हैं अडल्टहुड में दूध वो तो आर्टिफिशियली पीते हैं, क्या 12th वालों, डेयरी फार्म के मदद से, गाय को पालने का, उसका प्रॉपर रेयरिंग करने का, उसका दूध निकालने का, फिर उसको पैकेट में डालने का, फिर उसको बेचने का, आर्टिफिशियली करते हैं, नेचुरली इट इज नॉट पॉसिबल कि अडल्टहुड में मैमल्स दूध पिए। तुम बोलोगे सर बिल्ली भी तो दूध पीती है अडल्टहुड में, वो भी आर्टिफिशियली पीती है जब अपने घरों में आती है तब, जंगल में जो जंगली बिल्ली है टाइगर लायन या इवन जंगली बिल्लियां, अलग अलग स्पीशीज है जंगली बिल्लियों की, वो पीते हैं क्या अडल्टहुड में दूध, पॉसिबल ही नहीं है। तो इवोल्यूशन को ये चीज पता ही नहीं है कि अपन ने बिजनेस चालू कर दिया है डेयरी का, तो इवोल्यूशन ने अब तक ऐसा कुछ इवोल्यूशन किया नहीं है कि अब अडल्टहुड में भी रेनिन रिलीज हो, इसलिए अडल्टहुड में रेनिन रिलीज नहीं होता है। फिर अपन जो दूध पीते हैं उसमें का केजिन कैसे डाइजेस्ट होता है, तो पेप्सिन के कारण और इंटेस्टाइन में बाकी के जो एंजाइम्स है वो थोड़ा बहुत कैसे तो भी करके उसको तोड़ लेते हैं, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में एकदम दूध आ गया वो भी कच्चा, तो तुम्हारा पेट डेफिनेटली एक दो दिन के लिए खराब, एक दो दिन नहीं लेकिन थोड़ी देर के लिए तो खराब हो ही सकता है, 1-1.5 लीटर कच्चा दूध अगर तुमने पी लिया तो अडल्टहुड में डेफिनेटली पेट खराब होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वो जो रेनिन है वो भी ऑब्वियसली जाइमोजेन के ही फॉर्म में रिलीज होता है, तो उसको अपन बोलते हैं प्रो रेनिन, रेनिन है ये, रेनिन नहीं, रेनिन, रेनिन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आएगा, वो एक अलग हार्मोन है, RENIN एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का हार्मोन है, वेरस RENIN ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एंजाइम है। ठीक है, हाँ, अगर कच्चा पियोगे आर्यन और बहुत ज्यादा पी लोगे थोड़ा बहुत ठीक है, 250 ग्राम 500 ग्राम तक ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा 1-1.5 लीटर कच्चा दूध गड़गड़ गड़गड़ पी लोगे जैसा ऐसा डायरेक्टली पैकेट को मुंह लगाकर, तो डेफिनेटली पेट खराब होगा। ठीक है, क्योंकि केजिन को डाइजेस्ट करने के लिए अडल्ट में रेनिन नहीं है, रेनिन रिलीज भी नहीं होता है, रिलीज क्या होता है प्रो रेनिन, पेप्सिन रिलीज भी नहीं होता है, रिलीज क्या होता है पेप्सिनोजेन, रिलीज क्या होता है
पेप्सिनोजेन, ठीक है, ये पेप्सिनोजेन को और प्रोरेनिन को एक्टिव फॉर्म में लाने का काम कौन करता है? पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बनाना और प्रोरेनिन को रेनिन बनाना, ये काम कौन करता है? तो ये काम करता है ऑक्सेंट्रिक सेल्स और पराइटल सेल्स, ऑक्सेंट्रिक सेल्स और पराइटल सेल्स, ऑक्सेंट्रिक सेल्स और पराइटल सेल्स, इनका ही दूसरा नाम है पराइटल सेल। जैसे इनके दो नाम है अदर पेप्टिक सेल्स और जाइमोजेनिक सेल्स, वैसे इसका नाम है ऑक्सेंट्रिक सेल या पराइटल सेल। ये ऑक्सेंट्रिक सेल या पराइटल सेल क्या करते हैं, ये क्या रिलीज करते हैं? तो ये रिलीज करते हैं कंसंट्रेटेड एचसीएल। नहीं ना तन्वी, वही तो बोल रहा हूं कि मिल्क इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है एडल्ट्स में, क्योंकि अपने पास प्रोरेनिन नहीं रहता है। अपन गरम करके जो पीते हैं थोड़ा सा कप में डाल के, दैट इज फाइन, लेकिन तुम कच्चा अगर जस्ट गाय से निकाला हुआ दूध डायरेक्टली 1-1.5 लीटर पी लोगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अपन जैसा गरम करके थोड़ा सा कप में डाल के पीते हैं, मग में डालकर पीते हैं, दैट इज ओके, दैट इज फाइन, उत्ता चलता है। उत्ता तो तुम कच्चा भी पियोगे तो भी चलता है, कोई इशू नहीं है। हाँ, ध्यान से सुनेंगे। तो ऑक्सेंटिक सेल्स एंड पैराइटल सेल्स रिलीज कंसंट्रेटेड एचसीएल। ये कंसंट्रेटेड एचसीएल का पीएच कितना रहेगा? इसका पीएच रहेगा 1.8, इसका पीएच रहेगा 1.8, पिछले बार भी बताया था, है ना। अब इसका डेटा थोड़ा बहुत अलग अलग तुमको मिलते रहेगा, कभी 2 मिलेगा, है ना, कभी 1.8, किसी बुक में 1.8 मिलेगा, थोड़ा बहुत वैरी, किसी बुक में 1.5 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो 1.8 पीएच का एचसीएल ऑक्सेंटिक सेल्स या पराइटल सेल में तुमको वो एचसीएल वो रिलीज करेंगे, ठीक है। क्यों रिलीज करेंगे? टू एक्टिवेट द जाइमोजेन्स। ये जो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन है, इनको एक्टिवेट करने का काम वो कंसंट्रेटेड एचसीएल करता है, ठीक है। तो ऐसा इवोल्यूशन ने सिस्टम क्यों बनाया? जैसे सर्कुलेशन चैप्टर में थ्रोम्बोप्लास्टिन था, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट कर देता था प्रोथ्रोम्बिनेस को, वैसे इधर भी कुछ तो भी रख देते कोई एंजाइम जो इनको एक्टिवेट कर दे। एचसीएल की क्या जरूरत है, क्योंकि एचसीएल के कारण अपने को तकलीफ बहुत होती है, मतलब तकलीफ इन द सेंस अपने को समझती नहीं है, लेकिन अपने को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ध्यान से एकदम मेरी बात सुनेंगे, कि अपने पास एक अलग से म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी होती है, अपने पास अलग से म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी होती है जो म्यूकस रिलीज करती है। म्यूकस क्या है तुमको पता है ना। तो कंटिन्यूअसली स्टमक के अंदर म्यूकस रिलीज होते रहता है, ताकि जो एचसीएल रिलीज होगा वो जब डिग्रेड करेगा तो म्यूकस को ही डिग्रेड करेगा ज्यादा से ज्यादा। एक्चुअल स्टमक की जो लाइनिंग है, इसका इसका म्यूकोसा से कोई लेना देना नहीं है, हाँ, म्यूकोसा के साथ कंफ्यूज मत करना इसको। तो अपना म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस, ये सब डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इस सबको डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए कंटिन्यूअसली स्टमक में म्यूकस सिक्रिट करते रहना पड़ता है, कंटिन्यूअसली। तो उसमें कितने एटीपी और कितने कार्बन एटम्स अपने खर्च होते होंगे, उससे अच्छा एचसीएल रखना ही नहीं था। थ्रोम्बोप्लास्टिन की तरह कुछ तो भी एक एंजाइम रख देना चाहिए था। एचसीएल का सिस्टम क्यों रखा, ठीक है, एचसीएल का सिस्टम क्यों रखा? एचसीएल का सिस्टम रखने का रीजन यह है कि उस एचसीएल के कारण क्या होता है कि फूड के थ्रू अगर कुछ बैक्टीरिया या वायरस अपने बॉडी में आ रहे होंगे तो वो भी इतने कंसंट्रेटेड एचसीएल के कारण मर जाएंगे, ठीक है, वो भी कंसंट्रेटेड एचसीएल के कारण मर जाएंगे, और अपने को इन्फेक्शन से एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो इम्यून सिस्टम की तरह भी वो एक्ट करता है और इनको एक्टिवेट करने का भी वो काम करता है। तो एक ही तीर से दो निशान हुए हैं, इसलिए इवोल्यूशन ने एचसीएल का प्लानिंग रखा स्टमक में। अच्छा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेज जैसा कोई एंजाइम का प्लानिंग नहीं रखा। एक एक चीज, हर एक चीज सोच सोच के की हुई है इवोल्यूशन ने, बहुत गजब चीज है इवोल्यूशन, मतलब बायोलॉजी बेसिकली, बिकॉज एवरीथिंग इज इवोल्यूशन, नथिंग एल्स, सब इवॉल्व होके ही बना है ना। तो इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत दिमाग वाली चीजें हैं, एक भी चीज फालतू फुकट नहीं है। तो इसमें अपने एटीपी खर्च होंगे, कार्बन एटम्स खर्च होंगे, म्यूकस सिक्रेट करने में एक्सेप्टेबल चलेगा,
लेकिन HCl से अपने को प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। इनका शेप गॉबलेट के समान रहता है, इसलिए इसको गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं। गॉबलेट यानी क्या है तुमको पता होना चाहिए, गॉबलेट ऑफ फायर है ना, ठीक है। तो ये सेल्स रहेंगी। इसके अलावा लास्टली एक सेल रहती है, उनका नाम है अर्जेंटाइफिन सेल्स। अर्जेंटाइफिन सेल्स ठीक है, इनको क्रोमा क्रोमाफिन कुछ तो भी बोलते हैं, रुको याद नहीं आ रहा है, क्रोमाफिन ऐसा कुछ नाम है इनका एक और। तो अर्जेंटाइफिन सेल्स जो है वो क्या रिलीज करते हैं, तो याद है क्या अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल्स जो सेरोटोनिन हिस्टामिन रिलीज करते थे, तो वैसे ये भी वही है, रिलीज सेरोटोनिन हिस्टामिन वगैरह, मास्ट सेल। सेरोटोनिन अलग है, हिस्टामिन अलग है। सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बाकी इसका जो टीएस रहेगा स्टमक का पूरा सेम रहेगा, बस दो डिफरेंसेस क्या रहेंगे, तीन डिफरेंसेस रादर। पहली बात तो ल्यूमेन उसका बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू इसोफेगस, एज कंपेयर टू इसोफेगस ल्यूमेन बड़ा रहेगा। दूसरा ऑब्लिक मसल्स एडिशनली प्रेजेंट रहेंगे चर्निंग ऑफ फूड के लिए। दूसरा म्यूकोसा लेयर्स में ये सब सेल्स रहेंगी, पेप्टिक सेल्स पेप्सिनोजेन रिलीज करेगी एंड प्रोलिन रिलीज करेगी, जो दोनों भी प्रोटीएजेस है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ऑक्सीजेनिक सेल्स एचसीएल रिलीज करेगा 1.8 पीएच का। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स और गॉबलेट सेल्स, ये तो नाम में ही समझ गया, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अर्जेंटाइफिन सेल्स रिलीज सेरोटोनिन एंड और हिस्टामिन। तो चार प्रकार की सेल्स म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट रहेंगी। म्यूकोसा लेयर का म्यूकस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सर एजेड पीपल में एचसीएल डाइल्यूट होता है क्या? नहीं, क्यों डाइजेस्ट डाइल्यूट होगा, फिर डाइजेस्ट कैसे कर पाएंगे चीजों को। और एक मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, सर म्यूकस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में रहता है क्या? हाँ बिल्कुल, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में रहता है, इंटेस्टाइन में भी रहता है, इसोफेगस में नहीं रहता है क्योंकि इसोफेगस में जरूरत नहीं है। फिर उधर आगे अपन जब जैसे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ वगैरह मूव करते हैं तभी भी अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि उसका मेन काम है म्यूकस का एसिड से बचाना। तो एसिड तो मेनली स्टमक में रिलीज होता है, अब स्टमक से जब पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा तो थोड़ा बहुत एसिड तो इंटेस्टाइन में एंटर करेगा ही, कितना भी कुछ भी कंट्रोल कर लो, है ना। इसलिए इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी म्यूकस रहेगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एनस में इसोफेगस में वगैरह म्यूकस की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल एकदम, ओके। तो बट से मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स स्मॉल अलग है रे। समय पे अगर खाना नहीं खाया, प्रियेश मेरे को एक बात बता, एक सेकंड ना सर, म्यूकस एचसीएल से पहले रिलीज होता है कि बाद? म्यूकस कंटिन्यूअसली रिलीज होते ही रहता है आर्यन, एचसीएल सिर्फ तब रिलीज होता है जब भूख का मैसेज आता है। भूख का मैसेज कैसे आता है? तो जब अपने अपन खाने के बारे में सोचते हैं, खाने के बारे में कब सोचते हैं अपन? जब अपने को भूख लगी रहती है ना, भूख का नहीं सॉरी खाने का जब मैसेज आता है तभी सिर्फ एचसीएल रिलीज होगा, म्यूकस कंटिन्यूअसली रिलीज होते रहता है, ठीक है। तो अपन खाने के बारे में सोचेंगे या अपने को खाने का स्मेल आएगा, ठीक है, तो भूख भड़कती है अपनी अगर बहुत टेस्टी वाला स्मेल आए तो, या फिर अपना जो डेली का खाने का समय है उस टाइम पे ऑटोमेटिकली ही जूसेस सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी को, बॉडी का भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है, बायोलॉजिकल रिदम रहता है, बराबर उस टाइम पे सिक्रीट होने लगता है एचसीएल, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर अपन ने एचसीएल तो सिक्रेट होने लग गया, लेकिन अगर अपन ने खाना खाया ही नहीं तो फिर वो एचसीएल बस जमा होते जाएगा स्टमक में, पर डाइजेस्ट करने के लिए उसको कुछ भी नहीं रहेगा, तो फिर उस केस में होती है एसिडिटी। इसलिए ज्यादा देर भूखे रहने से एसिडिटी होती है, रात भर जगने से एसिडिटी होती है, ये सब चीजों से एसिडिटी होती है। कुछ कुछ लोगों का जेनेटिक टेंडेंसी भी रहती है एसिडिटी होने की, ठीक है। मेरे को तो आज तक जिंदगी में कभी एसिडिटी हुई नहीं, पर कुछ कुछ लोग रहते हैं उनको ऐसे नॉर्मली भी हफ्ते में 2-3 बार एसिडिटी होते रहते हैं, तो उनकी थोड़ी जेनेटिक टेंडेंसी है रहती है सर। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले तो न्यूट्रल या बेसिक हो जाएगा ना? नहीं, क्यों न्यूट्रल होगा अथर्व? कोई रीजन ही नहीं है न्यूट्रल होने का। अल्कलाइन पीएच तो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो उल्टा थोड़ा सा न्यूट्रल होगा,
अभी तो उसको न्यूट्रलाइज होने का कोई टेंशन ही नहीं है। पैंक्रियास से NaHCO3 रिलीज किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, NaHCO3, जो स्टमक से आए हुए एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। बाकी स्टमक में तो क्यों न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि तो स्टमक में कोई अल्कलाइन चीज आ ही नहीं रही है। जब अल्कलाइन चीज आएगी तभी फिर वो न्यूट्रलाइज होगा, है ना। इसलिए खाली पेट एसिडिटी होती है, करेक्ट। पैंक्रियास से बेसिक जूस निकलता है, हाँ, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज किया जाता है ताकि एसिडिटी को कंट्रोल कर सके। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, पहले ही एक चीज तुमको बता दे रहा हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। 10th में बताया था इंटेस्टाइन में जाने से पहले न्यूट्रलाइज होता है, ऐसा था? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल है। तुम बोलोगे हैं ये क्या चीज है, ये कैसी चीज है, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है और लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल है, रादर इसका कुछ तो भी डेटा 6 मीटर का वगैरह है, 6.5 मीटर, 6 से 6.5 मीटर कुछ तो भी रहता है ये, 6 साढ़े 6 के बीच में, 6.25 मीटर के आसपास रहता है, ठीक है। 6 मीटर, 6 फीट नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 6 फीट, वी आर टॉकिंग अबाउट 6 मीटर्स। 3 फीट मतलब 1 मीटर, ठीक है। अभी कोरोना में पता चला है मेरे को, ये 3 फीट है ना 1 मीटर है, पता पहले से था, भूल जाता था, अभी अच्छे से याद हो गया है, क्योंकि एक तो 2 गज की दूरी चाहिए, नहीं तो 6 फीट की दूरी चाहिए, तो समझ गया कि अच्छा 2 मीटर यानी 6 फीट, ठीक है। तो 6 मीटर यानी 18 फीट, 18 फीट, सोचो इतना बड़ा लेंथ होता है, ठीक है। तो फिर इसको नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है, अगर लार्ज लॉन्गेस्ट पार्ट है तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों नाम है, गलत है कि ये? दिस नेम स्मॉल इंटेस्टाइन इंप्लाइज इट्स डायमीटर विच इज स्मॉलर देन लार्ज इंटेस्टाइन, करेक्ट। नहीं अथर्व, कॉइल रहता है इसलिए स्मॉल साइज स्मॉल दिखता है, वो रीजन नहीं है, विड्थ है, विड्थ, ठीक है। आर्यन देख तेरे को एक मैं चीज बताता हूँ, ये जो डेटा वाली चीजें रहती है ना कि वो 7 मीटर का है कि 6 मीटर का है, ये ना अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर तू वो तेरे को WWE का प्लेयर पता होगा द ग्रेट खली, वो कुछ तो भी 6.5 से 7.5 फीट का आदमी है वो, ठीक है। और तू मेरे को देखेगा तो मैं 5.5 फीट का आदमी हूँ, 2 फीट का डिफरेंस है हम दोनों में, तो मेरा इंटेस्टाइन निकलेगा उसका इंटेस्टाइन निकलेगा, तो ऑब्वियसली लेंथ में डिफरेंस तेरे को दिखने ही वाला है। ये सब जो वैल्यूज रहती है ना एवरेज वैल्यूज रहती है, मैं तेरे को pH का भी बताया ना, pH 1.8 मैंने लिखा है यहाँ पर, तो मैं तुमको 10 बुक्स ला कर देता हूँ, 10 बुक्स में तुमको 10 अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, कौन जाके चेक करता है, एवरेज वैल्यूज रहती है ये सब, पर्सन टू पर्सन, और एक ही पर्सन में pH की वैल्यू भी इवन वेरी कर सकती है। ये सब जो वैल्यूज रहती है एवरेज वैल्यूज रहती है, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट वैल्यूज नहीं रहती है, इन सब वैल्यूज का टेंशन नहीं लेना, जो NCERT में दिए वो वैल्यू अपन याद रखने का, और NCERT में अगर नहीं दी होंगी तो सबसे स्टैंडर्ड बुक में जो वैल्यू दी रहती है वो मैं तुमको बताता हूँ, वो याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का ज्यादा, ठीक है। हाँ, तो अथर्व उसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि कॉइल रहने के कारण छोटा दिखता है, उसका रीजन ये है कि अपन उसके डायमीटर के हिसाब से स्मॉल इंटेस्टाइन बोले हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है, और ये एक्चुअली कंफ्यूजन होने की चीज ही नहीं है कि अरे सर स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा कैसे हुआ ज्यादा, ये कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अगर अपने को मतलब सही से अपन वर्ड का मीनिंग समझे, तो अगर अपन लेंथ की बात कर रहे होते ना तो अपन ने शॉर्ट एंड लॉन्ग ये टर्म यूज किया रहता। इन इंग्लिश लैंग्वेज द टर्म्स शॉर्ट एंड लॉन्ग आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेयर एज स्मॉल एंड लार्ज आर नॉट नेसेसरीली यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग लॉन्ग इंटेस्टाइन बोला रहता तो वो गलत रहा रहता, अपने शॉर्ट एंड लॉन्ग नहीं बोला है, अपन ने स्मॉल एंड लार्ज बोला है, तो अपन विड्थ की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, तो एकदम लॉजिकल चीज है, कुछ भी इसमें गड़बड़ वाली चीज नहीं है। ठीक है। पेरिटोनियम नाम की एक चीज रहती है, पेरिटोनियम जो भी अपने इंटरनल ऑर्गन्स है ना उनके ऊपर एक मेसोडर्म का कवरिंग रहता है, उसको पेरिटोनियम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पेरिटोनियम, रुको इसका एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा मेरे को। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, एक पेरिटोनियल मेम्ब्रेन रहता है, उसको मिजेंटरी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को होल्ड करके रखता है। होल्ड करके रखता है मतलब अपने जो अपनी जो वॉल है, अपने पीठ की वॉल, उसके साथ अटैच करके रखता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, नहीं तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा लटका रहेगा बीच में, अपन रनिंग करने लगेंगे तो हिलने लगेगा इधर उधर इधर उधर, उसको बांध के रखना पड़ता है, अटैच करके रखना पड़ता है बैक वॉल के साथ। तो मिजेंटरी नाम का एक पेरिटोनियल मेम्ब्रेन उसको बांध के रखता है। 2017 में साइंटिस्ट लोगों ने ये सॉरी मिजेंटरी को अलग ऑर्गन का दर्जा दे दिया है। ठीक है, नाउ मिजेंटरी इज सपोज्ड टू बी एन ऑर्गन कॉल्ड, नहीं डिक्लेयर्ड बोल देता हूं। ठीक है, ये 2017 में हुआ है, न्यूज़पेपर में वगैरह आया था, न्यूज़पेपर में आया था कि साइंटिस्ट लोगों ने नया ऑर्गन डिस्कवर किया। वो एकदम सुबह उठा, न्यूज़पेपर देखा, मैं बोला अरे क्या हो गया, नया ऑर्गन डिस्कवर हो गया क्या? देखा तो पता चला कि कुछ नहीं, मिजेंटरी को उन्होंने ऑर्गन का स्टेटस दे दिया है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में आने को ऑब्वियसली 20 साल लगेंगे, तो अपने को उसकी चिंता नहीं है, लेकिन ये चीज पता रहनी चाहिए कि अभी इसको भी एक ऑर्गन बोलते हैं। वैसे ही 2018 में एक नया कॉन्टिनेंट भी डिस्कवर हुआ है, तो अगेन वही है, जैसे मिजेंट्री ऑलरेडी प्रेजेंट था, बस उसको ऑर्गन का दर्जा दे दिया, ऑर्गन करके डिक्लेयर कर दिया, ऑर्गन का स्टेटस दे दिया, वैसे ही कोई नया ऑर्गन, नया कोई कॉन्टिनेंट डिस्कवर नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड के आसपास जो छोटे छोटे आइलैंड्स है, उन सब आइलैंड्स के मैप्स को साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे एक दूसरे के आसपास रखा, तो पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार हो गया, तो जो कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार हो गया उससे समझ में आ गया कि ये जो भी छोटे छोटे आइलैंड है ये एक ही बड़े लैंड मास के टुकड़े रहे होंगे, टुकड़े हुए होंगे ड्यू टू अर्थक्वेक। ठीक है, तो वो जितने भी न्यूजीलैंड के आसपास, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के आसपास जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उन सब आइलैंड्स को मिक्स करके उन्होंने जीलैंडिया नाम का एक कॉन्टिनेंट डिक्लेयर कर दिया, और कुछ नहीं। न्यूज़पेपर में न्यूज ऐसी आती है एकदम कि नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो जीलैंडिया, ठीक है, ये नया कॉन्टिनेंट हुआ है, कॉन्टिनेंट है, डिस्कवर हुआ है, और मिजेंट्री ये नया ऑर्गन करके डिक्लेयर हुआ है, इसको भी अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर हाँ, इसको अपन ने अपने कन्वीनियंस के लिए और थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल फंक्शन के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। कौन से पता होगा, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, डिओडेनम जेजुनम एंड इलियम है ना, स्टार्टिंग का पोर्शन डिओडेनम रहता है, फिर जेजुनम आता है और उसके बाद इलियम आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके म्यूकोसा में, सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, तो इसके म्यूकोसा में क्या रहेगा, म्यूकोसा लेयर हैज विलाय। विलाय क्या रहता है तुमको पता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं, फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम है विलाय का। ठीक है, एवरीवन नोज दैट। और हाँ, एक और चीज, ये जो वॉल्स है इंटेस्टाइन की, मतलब वही म्यूकोसा, वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन आर रफ। ठीक है, वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन जो रहते हैं वो रफ रहते हैं,
क्योंकि उनमें कुछ फोल्ड्स रहते हैं, बिकॉज ऑफ सम फोल्ड्स। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। वॉल ऐसी स्मूथ नहीं है, वॉल ऐसी ऐसी है, ऐसी ऐसी रफ है। उसके कारण क्या होता है? तो सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है और कुछ नहीं। है ना, समझ में आ रहा है? तो इनको क्या बोलते हैं, इन सम इन फोल्ड्स को? तो इन फोल्ड्स को बोला जाता है कॉल्ड फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग। कर्करिंग नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इसलिए, और इसके लिए एक और नाम है प्लीके सर्क्युलरिस। तो उसमें से ये फोल्ड्स ऑफ कर्किंग ही ज्यादा कॉमनली यूज्ड टर्म है, फोल्ड्स ऑफ कर्किंग ही कॉमनली यूज्ड टर्म है, ठीक है, नॉट प्लीके सर्क्युलरिस। बस लिखने के लिए लिख लेना, ठीक है। एक सेकंड, एक चीज और याद आ गई मेरे को, एक चीज और याद आ गई। जैसा इधर प्लाई के सर्कुलरिस या फोल्ड्स ऑफ कर्किंग रहते हैं ना स्टमक में, वैसे सॉरी इंटेस्टाइन में, वैसे ही स्टमक में भी गैस्ट्रिक वॉल्स, गैस्ट्रिक इज द एडजेक्टिव ऑफ स्टमक, ठीक है, गैस्ट्रिक वॉल्स आर रफ, वैसे स्टमक में भी रहता है एंड कॉल्ड एज गैस्ट्रिक रगे, रगे रुगे, RUGAE, जो भी तुमको प्रोनाउंस करना है कर सकते हो। ठीक है, ये भी रफ रहती है, स्टमक की भी वॉल फोल्डेड रहती है। क्यों अपने को रफ और फोल्डेड रखना जरूरी है? एक तो सरफेस एरिया बढ़ता है, दूसरा फूड को होल्ड करके रखना आसान जाता है ना, जैसे अपना माउथ में भी जो अपर पैलेट है उसका एंटीरियर रीजन रफ है, तो ऐसे स्टमक भी फोल्डेड है, स्टमक की भी वॉल, ठीक है, रफ रहती है, वेंट्रिकल्स की भी वॉल हार्ट के रफ रहती है, ठीक है। कभी भी स्मूथ रखने से अच्छा रफ रखना बेटर रहता है, सरफेस एरिया भी बढ़ता है और चीजों को होल्ड ऑन करने में भी हेल्प होती है, ठीक है। तो स्टमक के भी वॉल्स फोल्डेड है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक रगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन की भी वॉल्स फोल्डेड है, उनको बोलते हैं फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग और प्लीके सर्कुलरिस, ठीक है। ये फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग या प्लीके सर्कुलरिस जो है ये विलाय नहीं है, दीज आर नॉट विलाय, विलाय अलग चीज है, ठीक है। विलाय प्रॉपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, ये बस ऐसा वॉल ऐसी 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 रफ है थोड़ी, और कुछ नहीं। गैस्ट्रिक रगे टेम्पररी अडेप्टेशन है ऐसा सुना है, टेम्पररी अडेप्टेशन है, जब अपन खाना खाते हैं तभी, ऐसा कुछ बोल रही है कि सेजल? टेम्पररी अडेप्टेशन मतलब क्या? कि जब अपन खाना खाते हैं तभी उसके वॉल्स रगे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा वगैरह कुछ है क्या? एनीवेज, तो सेजल करेगी रिप्लाई, तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। तो इंटेस्टाइन में क्या क्या रहता है इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे कैसे बोल सकते हैं सेजल अपन, ये कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं कि टेम्पररी अडेप्टेशन है? टेम्पररी अडेप्टेशन ऐसा कोई टर्म ही नहीं सुना है मैंने आज तक, क्योंकि अडेप्टेशन हो गया तो हो गया, और अगर कोई चीज अडेप्ट होके चली गई फ्यूचर में, मतलब कोई नया ऑर्गन या कोई नई तरीका, कोई चीज इवॉल्व हुई और फिर कुछ सालों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद गायब हो गई, तो भी अपन उसको टेम्पररी अडेप्टेशन नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे कि वो इवॉल्व हो गया फिर से, है ना। जैसे अपेंडिक्स, अपेंडिक्स अभी अपने को अपेंडिक्स की जरूरत नहीं है, आज के डेट में अपने को अपेंडिक्स की जरूरत नहीं है, पुराने जमाने में थी, हो सकता है कि पुराने जमाने में ना 1.5 लाख साल पहले, हाँ पुराने जमाने में 200-300 साल पहले नहीं, जब हम एप्स हुआ करते थे उस समय की बात बोल रहा हूँ, तो
अभी अपने को जरूरत नहीं है, तो हो सकता है कि और मिलियंस ऑफ इयर्स लेटर जो ह्यूमन बीइंग्स रहेंगे उनमें अपेंडिक्स रहेगा ही नहीं राइट फ्रॉम बर्थ, ऐसा भी हो सकता है। तो जो 1.5 लाख साल पहले के जो एप्स थे उनमें जब अपेंडिक्स इवॉल्व हुआ होगा तो उनमें भी तो कभी ना कभी इवॉल्व ही हुआ होगा, तो अपने को बोलना पड़ेगा कि अपेंडिक्स इवॉल्व हुआ, कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट किया और फिर से गायब हो गया, बट वी कैन नॉट कॉल इट एज टेम्पररी अडेप्टेशन, है ना, समझ रहे हैं ना। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता होगा टर्म। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, कुछ और होगा सेजल तो मैसेज कर देना। हाँ तो क्या बोलना चाह रही है, अगर मेरे को नहीं समझा होगा तो मैसेज कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। हाँ अब इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में क्या डिफरेंस है, टीएस ऑफ इंटेस्टाइन अगर अपन ने देखा तो अपने को एक तो ल्यूमेन का थिकनेस तो अलग रहेगा ही, है ना, स्टमक और इसोफेगस के कंपैरिजन में ल्यूमेन का तो कुछ ना कुछ थिकनेस तो डिफरेंट रहेगा ही, वो तो छोड़ दो। इसके म्यूकोसा में क्या क्या रहेगा, म्यूकोसा लेयर जो है, म्यूकोसा का म्यूकस ग्लैंड से कोई लेना देना नहीं है, म्यूकोसा लेयर का नाम है, सेरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोसा म्यूकोसा। तो इसकी जो म्यूकोसा लेयर है इसमें कौन से सेल्स होते हैं, पहला पहला इसके म्यूकोसा में, अब देखो अपने को क्या क्या रिलीज करने का है, ठीक है, तो अपने को म्यूकस रिलीज करने का है और अपने को इंटेस्टाइनल जूस भी रिलीज करने का है, अपने को म्यूकस भी रिलीज करने का है और अपने को इंटेस्टाइनल जूस भी रिलीज करने का है। गैस्ट्रिक जूस मतलब स्टमक का जूस, उसने क्या रिलीज किया था, उसने रिलीज किया था पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन और एकदम थोड़े अमाउंट में, इवन दो आई डिडंट टेल यू, एकदम थोड़े अमाउंट में लाइपेज भी रिलीज होता है स्टमक में, एकदम थोड़े अमाउंट में लाइपेज भी रिलीज होता है स्टमक में, ठीक है, तो वो हो गया गैस्ट्रिक जूस, वैसे ये भी इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करेगा, है ना। तो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करने वाला काम है क्रिप्ट ऑफ लिबरकहन का, लिबरकहन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इसलिए क्रिप्ट ऑफ लिबरकहन, और क्रिप्ट मतलब गड्ढे, ठीक है, तो इनको गड्ढे से क्यों कंपेयर किया है, क्योंकि ये दो विलाय के बीच में रहते हैं, प्रेजेंट इन बिटवीन विलाय, तो विलाय के बीच में प्रेजेंट रहने के कारण क्या होता है, ऐसे ऐसे दो लंबे विलाय है उसके बीच के रीजन में अगर क्रिप्स रहेंगे लिबरकन के सेल्स रहेंगे तो ऑब्वियसली गड्ढे समान दिखेगा ना, इसलिए अपन उस रीजन को बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकन, ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिबरकन। ये क्या रिलीज करते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकन, दे रिलीज इंटेस्टाइनल जूस, दे रिलीज इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का कूल नेम बताओगे तुमको, ध्यान से सुनो, जूस के लिए कूल नेम है सकस, है ना, 12th वालों सक्यूलेंट लीफ पढ़ा था अपन ने मॉर्फोलॉजी में, जूसी लीफ रहती है वो, इसलिए उसको सक्यूलेंट लीफ बोलते हैं, सक्यूलेंट प्लांट्स अपन ने देखे कैम प्लांट्स के वक्त, है ना, तो सकस मतलब जूस, और इंटेस्टाइन का एडजेक्टिव है एंटरो एंटरिक, तो सकस एंटरिकस, इंटेस्टाइन का जूस सक्कस एंटेरिकस, क्या सिंपल है, गैस्ट्रो एंटराइटिस नाम का डिजीज रहता है ना, गैस्ट्रो एंटराइटिस, तो गैस्ट्रो मतलब स्टमक, एंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन, ठीक है, टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं क्योंकि वो इंटेस्टाइन वाला डिजीज है, ठीक है, तो एंटेरिक इज द एडजेक्टिव ऑफ इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइनल जूस विल बी सक्कस एंटेरिकस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्रिप्स ऑफ लिबरकन में जो इंटेस्टाइनल जूस है, एक सेकंड ना सेल का नाम ही लिख देता हूँ, क्रिप्स ऑफ लिबरकन में, क्रिप्स ऑफ लिबरकन तो क्रिप्स है ना, उसमें कौन सी सेल्स है, तो एंटेरिक सेल्स, एंटेरिक मतलब वही अपनी क्या बोलते हैं इंटेस्टाइन की सेल्स, इसलिए एंटेरिक सेल्स, तो एंटेरिक सेल्स विल रिलीज इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके अलावा गॉबलेट सेल्स भी रहेंगे,
जैसे स्टमक में थे, गॉबलेट सेल्स क्या करेंगे अपने को पता है, वो रिलीज करेंगे म्यूकस, ये भी अपने को पता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके अलावा पैनेथ सेल्स रहेंगे ये WBCs है, पैनेथ सेल्स मतलब, पैनेथ सेल्स मतलब WBCs है। ठीक है, लाइसोजाइम वगैरह रिलीज करते हैं, फैगोसाइटोसिस वगैरह करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एर्जेंटाफिन सेल्स रहेंगे, वही जो स्टमक में थे, सेरोटोनिन रिलीज करने वाले। तो इतनी सारी सेल्स अपने को क्रिप्स ऑफ लिबरकन में मिलेगी। ठीक है, ये अपने को क्रिप्स ऑफ लिबरकन में मिलेगी। तो क्रिप्स ऑफ लिबरकन में क्या क्या रिलीज हो रहा है, क्रिप्स ऑफ लिबरकन में इंटेस्टाइनल जूस रिलीज हो रहा है, म्यूकस रिलीज हो रहा है, कुछ बैक्टीरिया अगर स्टमक के एचसीएल से बच के आ ही गए तो उसके लिए WBCs भी है अपने पास। और एर्जेंटाफिन सेल्स तो क्या करते हैं पता ही अपने को, सेरोटोनिन हिस्टामिन ये सब रिलीज करते हैं, मास्ट सेल्स है वो बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा एक खासियत है, इसके अलावा एक खासियत है कि इंटेस्टाइन में सब म्यूकोसा में भी सेल्स रहती है, स्टमक में नहीं थी सब म्यूकोसा में सेल्स, यहां पर सब म्यूकोसा में भी सेल्स रहती है। सब म्यूकोसा हैज ब्रूनर्स ग्लैंड, सब म्यूकोसा हैज ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड ये म्यूकस रेजिंग ग्लैंड है, म्यूकस सिक्रीटिंग, ये सिक्रीट करेगा म्यूकस, ब्रूनर्स ग्लैंड विल सिक्रीट म्यूकस। ठीक है, तो ये रहता है सब म्यूकोसा में, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ब्रूनर्स ग्लैंड की खासियत क्या है, दो खासियतें हैं, ओनली इन सब म्यूकोसा, ये म्यूकोसा में प्रेजेंट नहीं रहती है, और सब म्यूकोसा में ग्लैंड है, ऐसा सिर्फ एक ही बार हो रहा है ब्रूनर्स ग्लैंड के केस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और एक और खासियत यह है कि ओनली इन डियोडेनम, जियो जियो जेजुनम और इलियम में अपने को ब्रूनस ग्लैंड नहीं मिलेंगे, ब्रूनस ग्लैंड अपने को जेजुनम और इलियम में नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दीज आर द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब एक चीज बस ध्यान रखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल ही ऐसी ऐसी है, इसको अपन बोलते हैं फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग। और ये जो ऐसी ऐसी फोल्डेड वॉल है, ये फोल्डेड वॉल ने ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया, वो है विलाय। ठीक है, वॉल बेसिकली ऐसी फोल्डेड है, और फिर वो फोल्डेड वॉल ने ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया, वो मतलब विलाय, वॉल ही बेसिकली फोल्डेड है। तो ये जो मैंने ऐसा सीधा नहीं बनाया है ना, ठीक है, मैंने इसको ऐसा सीधा नहीं बनाया ना, ऐसा ऐसा ऊपर नीचे बनाया ना, तो ये जो ऐसा ऐसा बनाया है मैंने, ये मतलब फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग, और वॉल जो ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट हो गई है, वो मतलब विलाय। तो विलाय और फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करने का। ठीक है, तो स्टमक में भी अपने पास एंजाइम्स थे जो डाइजेशन कर रहे थे, इधर भी अपने पास सक्कस एंटेरिकस रिलीज करता है एंटेरिक सेल्स, उसमें भी एंजाइम्स हैं, वो भी प्रो एंजाइम्स के फॉर्म में है, पर उसमें कौन से प्रो एंजाइम्स हैं और उनको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, ये जो दो चीजें हैं इसका आंसर मैं तुमको बताऊंगा, मतलब ये चीज अपन पढ़ेंगे कल के क्लास में। ठीक है, क्योंकि जैसे स्टमक प्रो रेनिन और पेप्सिनोजेन रिलीज कर रहा था, वैसे सक्कस एंटेरिकस में कौन से प्रो एंजाइम्स हैं और उनको फंक्शनल एंजाइम में, एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, वहां पर तो HCL नहीं है, तो वो काम कौन करता है, कैसे होता है, ये सब चीज अपन देखेंगे कल के क्लास में। ठीक है, तो अभी अगर तुमको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आज का लेक्चर है 28 तारीख का। एक सेकंड ना सुजन, ये पेज नंबर 1 हो गया, ये पेज नंबर 2। गाय जो रहती है ना सुजल, गाय, तो
तो गाय के पास ना एडिशनल स्टमक रहता है। गाय क्या करती है, गाय है हर्बी, हर्बीवोर तो है, वो ग्रेजिंग एनिमल है। हर्बीवोर का भी एक स्पेसिफिक प्रकार है ग्रेजिंग एनिमल, बराबर है ना। तो ग्रेजिंग एनिमल में, ग्रेजिंग एनिमल होने के कारण क्या होता है कि उसको कॉम्पिटिशन है कि ज्यादा से ज्यादा कौन घास ठूसेगा अपने मुंह में। तो ये ग्रेजिंग एनिमल्स के पास एक एक्स्ट्रा का स्टमक रहता है, ठीक है, उसको रूमिनेंट स्टमक बोलते हैं। तो उनके स्टमक में एडिशनल कंपार्टमेंट रहता है जिसमें वो स्टोर करके रखते हैं, पटापट घिटक लेते हैं घास को। ये पेज नंबर 3 है, स्क्रीनशॉट निकालने वालों। पटापट घिटक लेते हैं फूड को, और फिर जब आराम से बैठते हैं तो फिर वो फूड वापस बाहर निकाल कर उसको अच्छे से चबाकर डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उनके स्टमक के 4 पार्ट्स रहते हैं, एक रहता है र्यूमेन, एक रहता है रेटिक्यूलम, एक रहता है ओमेजम, और एक रहता है एब ओमेजम, ठीक है। र्यूमेन, रेटिक्यूलम, ओमेजम एंड एब ओमेजम, ऐसे उसके 4 पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। मैं भेज दूंगा तुमको उसका डेटा, एनसीईआरटी में नहीं दिया है ये सब ओमेजम वगैरह, मैं तुमको भेज दूंगा वो उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये 4th पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो करता हूँ मैं इसको बंद। गुड बाय, हैव अ गुड डे।